इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको फ्री फायर के अंदर इस तरीके से इशू आता है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट एरर, तो बेसिकली ये काहे का शाइन रहता है और किस इशू के अंडर ये इशू आता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, डेटाबेस रहता है, हर चीज़ का एक डेटाबेस रहता है। जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं फ्री फायर के अंदर तो वो आपका डेटा ले लेता है, ठीक है, अकाउंट का डेटा हो गया। तो वो उस अकाउंट को और आप दूसरे अकाउंट को एक साथ उसको मिक्स करेंगे तो इस तरीके का एरर आता है, ठीक है। अगर आप किसी अकाउंट को ऑलरेडी यूज़ में ला रखे होते हैं और उसको दोबारा यूज़ में लाते हैं तो तब ये इशू आ जाता है। ये हैकिंग के टाइम भी ये इशू आ जाता है, ठीक है। जब कोई आपका अकाउंट यूज़ करता हुआ होता है और तब उसको आप लॉगिन कर लेते हैं तो तब ये अकाउंट नहीं खुल पाता। या बाइंड के टाइम जब आप किसी अकाउंट को यूज़ कर रहे हो और ऑलरेडी एग्जिस्ट हो वहाँ पर, तब भी वो तो इस तरीके से इशू दिखा देता है। तो यहाँ पर ही होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इशू आ रहा है वो बाइंड के टाइम आता है, अकाउंट जो है वो क्रिएटिंग करते टाइम होता है, पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है उस पर अकाउंट, तो उस पर अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इशू रहता है इसका। अब ये ऐसा भी होता है कि बिना मतलब के भी दिखा देता है, यहाँ पर अपडेट वगैरह का भी इशू आ जाता है कभी कभी, तो उस वजह से भी यहाँ पर ये इशू दिखा देता है। तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए तो यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना होगा। और प्ले स्टोर में जाएंगे जब तो सिर्फ आपको यहाँ से अपडेट कर देना होगा अपना फ्री फायर को सर्च करके, बस सिर्फ अपडेट करना है और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी इतना से करने के बाद। तो सबसे पहले तो ये इशू इसका रहता है और इससे आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो सकती है। और अंदर से भी वैसे अपडेट आ जाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी कर लेना चाहिए। अगर अंदर से शो स्किप हो जाता है तो यहाँ से आप ईजिली कर पाएंगे। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट आप समझ में आ गया होगा कि ये आता क्यों है इशू। अच्छे, आप अकाउंट डिलीट कर देते हैं फिर उसके बाद ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं रहता। आप अकाउंट डिलीट करने का प्रोसेस मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये आप ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।